मैं सोचा था 2 दिन में उसको रिलीज कर दूंगा, अभी पेट दुख रहा है, बोल रहा है, और डॉक्टर को वेट किया हूँ, डॉक्टर आने के बाद देखने किया है, अभी गांव वाले भी आए घूमने के लिए उसको देखने के लिए, बस वो अंदर बैठा, मैं बाहर आया हूँ थोड़ा चाय पी के जाऊँगा। अगर इधर अच्छा भी नहीं होगा ना तो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इधर 1 दिन का 1700 रुपये भाई बेड चार्ज, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। चाय पानी हो गया, अभी जाएंगे बाथरूम, क्योंकि डॉक्टर आने का लेट होगा, तब तक मेरा कोई काम खत्म कर दूंगा मैं। इडली बरा देते हाँ, चलो भाई पार्सल हो गया, मेरा भी खाना हो गया। अच्छा, डॉक्टर कुछ मेडिसिन दिया है, 3000 रुपया का मेडिसिन लगा सुबह सुबह, अभी जा रहा हूँ लॉन्च करने के लिए, ये मनाली जा रहा है हमारे साथ, ये बस स्टैंड के पास से एक है वो नया वाला, उधर जा रहे हैं थोड़ा टेस्ट करेंगे, उधर क्या है थोड़ा उधर खुली करी खाए लाडो, खुली लाडो उधर छिड़िया छिड़ी होगा से प्रॉब्लम होगा उधर। भाई हमारा खाना हो गया और वो पार्सल भी ले लिया हम, क्योंकि ये सब सादा वाला चीज़ है सब पेशेंट के लिए, दाल भात सब्जी, सब्जी भी जो है इसमें नमक नहीं होता है, तेल भी नहीं होता है, मसाला ज़्यादा नहीं होता है, ये सब्जी कितना आना संतरा साको चलो अच्छा इधर 10 रुपये में भी सब्जी मिल जाता है। अभी उसका फिर उल्टी होना शुरू हो गया भाई, क्या करेंगे पता नहीं। अभी डॉक्टर आया है, उसको बोला हूँ फिर कुछ इसका पेट साफ करने के लिए दवाई दिया है, फिर खाने के लिए अभी नाम बोल दिया, फिर खाना बंद, फिर लेट रख दिला ना गाड़ी, लेट रख दिला नाला भीतर धरी पड़े सो पड़ी पर निद आया था तुम सही हाँ मैं भी टेंशन में थोड़ा सो गया था, अभी बाहर जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए, अभी मुन्ना भी जा रहा है मेरे साथ, कोटी की जिया बाहर जाए कोई बसिया छाई देखी रही बोलो बसिया हाँ चला उधर चेयर फेयर लगा हुआ है टी स्टॉल है उधर जाकर थोड़ा बैठेंगे चाय का पियेंगे ये जगह पर बैठेंगे यार इधर थोड़ा अच्छा लगेगा बैठेंगे और तो गलती से हम यहाँ आ गए यहाँ फिर नहीं जी इधर इतना गाड़ी इतना लोगों का आवाज पूरा परेशान हो जाता है मुझे इरीटेट लगता है मुझे उन्हें जो रहे थे बेसिक क्रिक्र क्रिक्र होती है सर पर भितरा गए बस यहाँ से निकलते हो गए यहाँ बहुत इरीटेट लगता है सर भितरा जो जगह अच्छी ना इधर थोड़ा अच्छा लग रहा है पूरा सुनसान थोड़ा लग रहा है उधर बैठते 5 मिनट पूरा दिमाग खराब हो गया इतना इरिटेशन इधर जाएंगे देखेंगे अगर उधर थोड़ा एक मैदान है उधर जाके बैठेंगे अगर अच्छे से आराम से नहीं होगा तो फिर रिटर्न आ जाएंगे ऐसे ही खाली खाली टाइम पास करने के लिए हम दोनों आए हैं क्योंकि मेडिकल में बैठे बैठे पूरा बोर हो गए दूर दूर पता नहीं किधर रास्ता गया है क्या है अंदर पहले तो ये पूरा मैदान था ये इधर क्रिकेट खेल रहे थे इधर आगे कितना दूर जाएंगे फिर रिटर्न आ रहे हैं तो कॉलोनी दिखाई दे रहा है बस कुछ नहीं है इधर भी इतना इधर बैठने के लिए भी जगह नहीं पूरा ऐसे ही बिजी एरिया है इधर भी गाड़ी बहुत चल रहा है और इधर का मौसम ऐसा है कि तुम थोड़ा सा दूर पैदल जाओ ना पूरा पसीना हो जाता है पैसा देने के लिए भूल गया चलो भाई अभी हो गया इधर उसका पैसा भूल गया था पैसा दे दिया अभी जाएंगे फिर हॉस्पिटल वो उधर बात कर रहा है बात उसका खत्म होने के बाद हम फिर निकलेंगे यहाँ से जी वाह चलो चलो भाई निकलते हैं अच्छा क्या करें यार अभी भी उसका पेट दुख रहा है समझ में नहीं रहा क्या करें बस सलाई में इंजेक्शन पर वो कम हो गया था जैसे खाना शुरू किया ना कल से वो फिर शुरू हो गया उल्टी भी हो रहा है अभी क्या करेंगे कोई समझ में नहीं रहा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है आगे कितना दिन तक ऐसा चलेगा आज थोड़ा अच्छा फील हुआ था क्योंकि उसका तबीयत में बहुत थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था आज फिर ऐसे ही सेम मल्टीपल प्रॉब्लम्स टाइम लगेगा ऐसा बोलते ही सब
कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं, उधर रहने को भी मन नहीं हो रहा है, बस बाहर ऐसे बिन बजे घूम रहा हूँ। मोटर आज नॉन वेज, इधर तो नॉन वेज है भाई, बहुत भीड़ है भाई, वेज वाला होटल नहीं मिल रहा भाई। इधर का हालत देखो ट्रैफिक का, ये वाला वेज की वजह से इधर इतना ट्रैफिक हो गया है, सबका अपना अपना पढ़ाई भाई। कितना पॉल्यूशन है देखो, हाई पॉल्यूशन है भाई, इधर कुछ आग लगा हुआ है शायद, नहीं तो इतना पॉल्यूशन नहीं होगा। आज भी हमारा सिटी में ऐसा वाला रिक्शा चल रहा है, देखो जब भी बेंगलोर से आता हूँ ना ये वाला रिक्शा में बैठ के जाता हूँ। मैं जो भेज होटल में खा रहा था ना वो आज बंद है, पता नहीं क्यों, मैं वहाँ से यहाँ तक, वतन से यहाँ तक आ गया लेकिन कहीं भी देखो भेज होटल नहीं, ये भी नहीं है भाई, करीब करीब मैं 2 किलोमीटर आगरा आ गया, किधर भी एक भेज होटल नहीं है। वाह, ये हमारा धर्मपुर भाई, ये भेज होटल के चक्कर में मैं 2 किलोमीटर तक पैदल आ गया इधर, अभी वापस जा रहा हूँ। कुछ भी थोड़ा सूप वूप खा लेंगे आज, चला लेंगे ऐसे ही, ऐसे भी भूख नहीं है मुझे लेकिन थोड़ा कुछ भी खा लेंगे। चलो चलते हैं किधर थोड़ा खाएंगे इधर। चलो भाई एक मिक्स वेज सूप पी लिया, इतना ही काफ़ी है, ये रात भर मेरे लिए चलेगा और सुबह में तो पूरा पेट साफ रहेगा यार। और जो सूप भी है अजब सूप है भाई, पूरा उसमें मशरूम था, पनीर था, मक्का का वो जो पीस था। कोई भी नहीं है, क्या करेंगे यार, उसका पेट दुखना बंद नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी करे तो करे क्या यार, धन ताकत हिम्मत सब कुछ लगा दिया उन्होंने, कुछ रिजल्ट पता नहीं चला। इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ यार, देखो अजीब सा दुनिया है यार, अजीब सा सच्ची में। मुन्ना अभी तक तो खाना नहीं खाया है, उसको अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, मैं तो नहीं खाऊँगा। मुन्ना कल जा रहा है, शायद उसका रिलीज हो जाएगा उसका भाई। एडी ना एडम देखे थे सदन खाए थे पौर दिन ये पाकर इधर के होटल है वो 70 रुपया ले रहे हैं, मैं परसों खाया था इधर वेज नॉन वेज, ये वाला थाली में खाया था परसों, जो उस दिन थोड़ा अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं नहीं खाऊँ, आज नहीं खा रहा हूँ। अलग टेस्ट अलग बाहर अच्छे का नाचना ठंडा गोटे पिया जाए जो मंदिर में खाऊ भल लगता, मंदिर में खाया था ना वो अच्छा लगता था, होटल में कहीं भी खाता है अच्छा नहीं लग रहा है। 9:30 बज गया है, जाएंगे अभी क्या हाल देखेंगे, खाया कहीं भल लगेगा मत कहीं ऐसे खा गया था भल लगेगा नहीं चलिए ना ये चलो मेडिकल के पास ही मिल रहा है वही आजू बाजू, इतना ही काफ़ी है। कल मंदिर मंदिर जिला क्योंकि मैं मंदिर में जितना दिन खाया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये होटल में जो 2 दिन खाया इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। चलो फिर अभी जाएंगे देखेंगे उसका हाल क्या है, डॉक्टर रात को 10:30-11 बजे आएगा, आने के बाद फिर देखेंगे क्या करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।